वैसे दोस्तों जब भी कभी भी बात चलती है फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन की तो रियलमी का नाम उसमें नहीं आता है, लेकिन अब आने वाला है क्योंकि रियलमी लेकर के आ रहा है अपना एक और नया स्मार्टफोन जिसका नाम है रियलमी एक्स टू प्रो। ये स्मार्टफोन फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि इस टाइम पर लेटेस्ट प्रोसेसर है। इस स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन सामने आ गई है और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कितनी प्राइस में आएगा और इंडिया में आपको कब देखने को मिलेगा, किस नाम से देखने को मिलेगा, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। फ्रेंड्स, तो बात करेंगे रियलमी एक्स टू प्रो की सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले मिनी नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है और फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि 90 हर्ट्ज पे रिफ्रेश रेट के साथ आएगी ये डिस्प्ले। मैं आपको बता दूं कि जितने भी वन प्लस के फ़ोन होते थे फ्लैगशिप लेवल के, वन प्लस 7 प्रो आया था उसमें आपको रिफ्रेश वाली डिस्प्ले देखने को मिलती थी, लेकिन अब आपको इस स्मार्टफोन में भी आपको 90 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले के साथ आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। और बात करूँ मैं यहाँ पे इसके बैक की तो मैं आपको बता दूँ बैक में इसमें आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाएंगे और इस बार बैक में भी आपको ग्लास ही देखने को मिलेगा जैसे कि रियलमी XT में देखने को मिला था। और हो सकता है इस बार ग्लास जो है आपको गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोडक्शन के साथ देखने को मिल जाए, मतलब पीछे और आगे दोनों ही साइड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोडक्शन देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहां पे इसके कैमरे के बारे में, तो मैं आपको बता दूं ये क्लियर नहीं हुआ है लेकिन ये कंफर्म है कि इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिलेंगे, 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का ही। फ्रंट कैमरे के बारे में क्लियर नहीं हुआ है मैं आपको बता दूं, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है इसमें आपको 32 MP वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों अब डालेंगे यहां पे इसके प्रोसेसर के ऊपर नजर जो कि सबसे ज्यादा कमाल का दिया गया। इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये प्रोसेसर लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से। तो मतलब क्या है, आप अपने स्मार्टफोन में मल्टीटास्किंग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे, फोन की जो स्मूथनेस बिल्कुल भी कम नहीं रहने वाली है, कुछ भी करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करने वाला है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिल सकता है, 6GB 64GB और 8GB 128GB के साथ आएगा क्योंकि फ्लेक्सिबल लेवल का स्मार्टफोन है। तो आपको 4GB 64GB के साथ तो नहीं देखने को मिलने वाला है, 6GB 64GB 8GB 128GB के साथ ही मिलेगा। देखना यह है कि माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट आएगा या नहीं आएगा। और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, फास्ट चार्जिंग के साथ नहीं आएगी क्योंकि इसमें आपको बुक का सुपर फेस्ट 2.0 देखने को मिलेगा। और मैं बात करूं यहाँ पे इसके चार्जर के बारे में तो मैं आपको बता दूं क्या कमाल का देखने को मिल रहा है, 65W का चार्जर देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे बताऊं मैं आपको इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं ये चाइना में लॉन्च होगा अक्टूबर के महीने में, लेकिन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा नवंबर के महीने में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पहले से ही, मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन की जो कि आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेंगे। उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर तरीके से बताया था कि रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन आपको अक्टूबर के महीने में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप और जानना चाहेंगे कौन से स्मार्टफोन जो कि आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेंगे, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, जाकर के चेक कर सकते हैं कौन से स्मार्टफोन आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेंगे। बात करें हम लोग यहाँ पे रियलमी एक्स टू प्रो की प्राइस के बारे में, तो जैसे कि आपको बताया कि रियलमी का ये फ्लेक्सिबल लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है तो इसकी जो प्राइस है वो 24 या 25 हज़ार रुपये होने वाली है। 24 या 25 हज़ार रुपये की प्राइस में भी अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है इंडिया में तो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाने वाला है क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस मिल रहा है और इसमें आपको डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं कहने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा डिसेंट फोन होने वाला है, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी आने वाला है। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये इंडिया में हो सकता है रियलमी एक्स टी प्रो के नाम से आए क्योंकि ये चाइना में लॉन्च होगा वो रियलमी एक्स टू प्रो के नाम से होगा, इंडिया में आपको रियलमी एक्स टी प्रो के नाम से देखने को मिल जाएगा क्योंकि वो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं वो एक्स टी प्रो सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और चाइना में आपको एक्स टू प्रो के नाम से देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों ये था स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से जो कि आपको नया देखने को मिलने वाला है फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन, मतलब अब रियलमी भी शामिल हो गया है फ्लैगशिप लेवल की रेस में। कैसा लगा आपको ये फोन मुझे कॉमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पे बने हुए हैं। चैनल अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर से करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस करें ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए। मेरी फिर मुलाकात होगी आपसे नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड टाइम।